बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चों आप लोगों का। माननीय मुख्यमंत्री जी की अभ्युदय योजना की एनडीए मैथमेटिक्स की क्लास में लास्ट सेशन पर हम लोगों ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को कंप्लीट कर लिया था और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स पर। बच्चों आज हम लोग कुछ स्पेशल सीक्वेंसेस के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। किस तरीके से उनका जनरल टर्म फाइंड आउट किया जाएगा, किस तरीके से उन स्पेशल सीक्वेंसेस का हम लोग सम फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सम स्पेशल सीक्वेंसेस, उनके सम और एनडीए में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो पूछी गई हैं उनको वन बाय वन डिस्कस किया जाएगा। अबाउट दी सम स्पेशल सीक्वेंसेस। तो बेटा इसमें सबसे पहले जो है ये है एजीपी। एजीपी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मान लीजिए ये 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे लिखा हुआ है। इसमें एन टर्म्स हैं और दूसरी सीक्वेंस है 2, 2 स्क्वायर। अब एक हम सीक्वेंस बनाने आ रहे हैं, टू एन टर्म्स, ठीक है ना। तो भाई इसमें क्या हुआ, आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने ऑब्जर्व किया कि इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो एपी का फर्स्ट टर्म और जीपी के फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट है। देखो ये एपी है और ये जीपी है, तो एपी का फर्स्ट और जीपी का फर्स्ट, एपी का सेकंड जीपी का सेकंड, एपी का थर्ड जीपी का थर्ड, ये कितने टर्म्स हो गए तुम्हारे, एन टर्म्स। तो बच्चों अगर हम तुमसे कहें कि एक ऐसी सीक्वेंस तुम्हारे सामने शो हो जिसका फर्स्ट टर्म एपी फॉर्म कर रहा हो और सेकंड टर्म जीपी फॉर्म कर रहा हो, तो ऐसी सीक्वेंस अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। तो देखो बेटा इस फर्स्ट टर्म के बारे में क्या है, ये इसका फर्स्ट टर्म एपी के फर्स्ट टर्म और जीपी के फर्स्ट टर्म के प्रोडक्ट से मिल रहा है। बेटा इसका सेकंड टर्म कैसे मिल रहा है, एपी का सेकंड टर्म और जीपी का सेकंड टर्म। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि nth टर्म ऑफ AGP क्या होगा, तो आप कहोगे nth टर्म ऑफ AP इनटू nth टर्म ऑफ GP, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो जैसे मैं तुमसे कहूं एक क्वेश्चन के माध्यम से बात करूंगा, यही ऊपर वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 × 3 + 4 × 9 7 × 27 up to n terms। तुम्हें क्या करना है बेटा, इसका एक बन गई आपकी ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। सीरीज को बन के भाई इसके बीच में प्लस लगाया। मैंने इससे कहा कि फाइंड इट्स nth टर्म, आपको इसका टर्म निकालना है। भाई कैसे इसका टर्म निकाला जाए, तो जरा देखिए ये हो जाएगा nth टर्म ऑफ 1, 4, 7 एंड सो ऑन इनटू एन टर्म ऑफ 3, 9, 27 एंड सो ऑन। बेटा 3, 9, 27 जो ये दिया हुआ आपका, ये आपको दिखाई पड़ रहा है कि जीपी है और फर्स्ट वाली क्या है एपी है। तो भाई क्या हो जाएगा ये, तो ये बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन डी 3।
दूसरा बेटा कितना हो जाएगा, ए आर बेटा कितना है, आर है थ्री, थ्री की पावर एन माइनस वन, तो फाइनली कितना आ गया, ये हो जाएगा थ्री एन माइनस टू इंटू थ्री की पावर एन। तो ये भाई क्या आ गया, ये आपके सामने आ गया अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज का nth टर्म आ गया। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि कैन वी सम दिस सीरीज, भाई इस सीरीज का सम क्या होगा, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। देखो बेटा पहले ही क्वेश्चन से मान लीजिए जो तुमने क्वेश्चन दिया हुआ था, we need to find the sum of the series 1 into 3 plus 4 into 9 plus 7 into 27 कहां तक, up to n terms तक। तो देखो बेटा सबसे पहले काम क्या करना होता है, स्टेप वन, स्टेप वन क्या है बेटा, फाइंड टी एन एंड टी एन माइनस वन, मतलब एन टर्म और एन माइनस वन टर्म निकालना है। तो बच्चों एन टर्म निकालना तो आसान होता है, अब एन माइनस वन निकालना है तो एन एथ टर्म निकालने जो भी निकला हो उसमें एन को एन माइनस वन से रिप्लेस कर देना। तो जब देखो टी एन कितना निकाल दिया बेटा मैंने, टी एन निकाला था थ्री एन माइनस टू इंटू थ्री टू दी पावर एन, चेक कर लिया जाए, थ्री एन माइनस टू इंटू थ्री की पावर एन ही आया। अब जो क्या किया जाए बेटा, नाउ टी एन माइनस वन कितना हो जाएगा, तो एन की जगह पे एन माइनस वन रख दीजिए, तो थ्री एन माइनस वन आ जाएगा। ये हो जाएगा थ्री एन माइनस थ्री माइनस टू इंटू थ्री की पावर, ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया थ्री एन माइनस फाइव, ठीक है, ये टी एन माइनस वन है। अब देखो बेटा क्या करते हैं, इसका तरीका ये होता है कि सम को वन इंटू थ्री प्लस फोर इंटू नाइन प्लस सेवन इंटू ट्वेंटी सेवन प्लस, बेटा यहां पर क्या करना होगा, एन माइनस वन टर्म लिखना है, और एन टर्म भी लिखना है, ठीक है ना। अभी क्या करना है बेटा, अभी जो है सिंपली जितने भी टर्म्स हैं उनको ज्योमेट्रिकल जो सीक्वेंस बन रही है इसके कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। आप देख रहे हो कि ज्योमेट्रिकल रेशियो जो सीक्वेंस है उसका कॉमन रेशियो कितना है, तीन। जब बेटा वन को थ्री से मल्टीप्लाई करोगे, वन इंटू थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा वन इंटू नाइन, तो मैंने इसको आगे बढ़ा के लिख दिया। फिर फोर इंटू नाइन को जब मल्टीप्लाई करो तो फोर इंटू ट्वेंटी सेवन आ जाएगा। सेवन कितना करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, सेवन इंटू एट्टी वन हो जाएगा, एंड सो ऑन। यहाँ बेटा कि ये टर्म जो है वो आगे बढ़ जाएगा, ये एन माइनस वन, सॉरी, ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा थ्री एन माइनस फाइव थ्री की पावर एन माइनस वन, और लास्ट में क्या आएगा, थ्री एन माइनस टू इंटू थ्री की पावर एन, ठीक है। अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, ये एन होगा और ये एन प्लस वन होगा बेटा, ठीक है, क्योंकि एन से थ्री से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। अब दोनों बेटा सबट्रैक्ट कर दो, तो सबट्रैक्ट करने कितना आ जाएगा, माइनस टू एस आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा वन इंटू थ्री, थ्री इंटू नाइन, थ्री इंटू ट्वेंटी सेवन, थ्री इंटू एट्टी वन, और लास्ट में कितना आ जाएगा बेटा, ये आएगा थ्री इंटू थ्री की पावर एन, और माइनस में आएगा माइनस थ्री एन माइनस टू थ्री की पावर एन प्लस वन, क्योंकि बेटा इसका कोई भी साथी नहीं है। जरा देखिए कितना हो जाएगा भाई,
एस बराबर जाएगा माइनस वन बाई टू। जरा देखिएगा इसमें तो आप पाएंगे कि वन इंटू थ्री जो है मतलब थ्री, और इन सब में कॉमन बेटा क्या देखो, थ्री कॉमन है, वैसे नाइन भी कॉमन है लेकिन नाइन लिखाने दो। देखो बेटा पहले ऊपर कितने टर्म थे, यहां पे ये आपके एन टर्म्स थे, इसके बाद भी जो नीचे लिखा वो भी एन टर्म्स है, लेकिन जब शिफ्ट करके लिखेंगे तो एक टर्म ये बढ़ गया याला, तो नंबर ऑफ टर्म यहां पे कितने हो गए थे एन प्लस वन। अब जरा देखिए जो सीरीज बन रही है इसमें एक टर्म ये शामिल नहीं है, एक टर्म शामिल नहीं है, तो ये बेटा कितने टर्म लिखे हुए हैं, दीज आर एन माइनस वन टर्म्स, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब चलो आगे बढ़ते हैं, तो जरा सम लिखा जाए इसका, तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई टू। कॉमन रेशियो बेटा कितना है इसका, कॉमन रेशियो थ्री है, फर्स्ट टर्म नाइन, तो ए आर की पावर एन, तो नंबर टर्म कितने एन माइनस वन है, माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, और माइनस थ्री एन माइनस टू थ्री की पावर एन प्लस वन, तो मान ली कितना आ जाएगा बेटा, देखो ये तुम्हारा आ गया माइनस वन बाई टू, ये हो जाएगा थ्री की पावर मिलके थ्री हो जाएगा, तो थ्री प्लस थ्री की पावर थ्री इंटू थ्री एन माइनस कितना आ जाएगा, थ्री की पावर एन प्लस टू माइनस ट्वेंटी सेवन अपॉन टू, और माइनस ये माइनस वन बाय टू इसके साथ भी है तो ये प्लस वन बाय टू हो जाएगा, तो थ्री एन माइनस टू थ्री की पावर एन प्लस वन अपॉन टू। बेटा यही तुम्हारा फाइनली क्या हो गया, ये तुम्हारा आंसर आ गया। आपको तरीका समझ में आया किस तरीके से ए जी पी के एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करेंगे। अब देखो आपके मन में आएगा कि बेटा अगर सर अगर एन टर्म्स यहाँ पे दिए हुए हैं तो इनफाइनाइट टर्म्स होने पर क्या होता, आओ जरा वो भी देखते हैं। देखो अगर मैं तुमसे कहूं कि s इक्वल्स टू थ्री बाय टू अप टू इंफिनिटी दिया हुआ है, वी नीड टू फाइंड इट्स सम। देखो बेटा ये अभी देखने में तो एजीपी नहीं लग रही है, बट थोड़ा सा इसको अच्छा बना लो, ठीक है बन गया। अब जरा देखिए इसमें वन वन बाई टू वन बाई फोर वन बाई एट जीपी बन रही है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो इसमें दी हो उसका कॉमन रेशियो हमेशा एक से छोटा होना चाहिए, अदरवाइज वी कैन नॉट फाइंड द सम। देखो बेटा क्या करना है इसमें, सिंपली भाई काम कि कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉमन रेशियो आप दिखाई पड़ रहा है वन बाई टू मल्टीप्लाई कर दिया, तो हर टर्म शिफ्ट हो जाएगा ना, ये हो जाएगा वन इंटू वन बाई टू थ्री इंटू वन बाई फोर फाइव इंटू वन बाई एट अप टू इन्फिनिटी हो गया। अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, इनको आपस में माइनस करने जा रहा हूं, माइनस कर दो बेटा ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तो सब्ट्रैक्ट करने को कितना आ जाएगा एस माइनस एस बाई टू, जरा बेटा इसमें घटाओ कितना आ जाएगा टू इंटू वन बाई टू टू इंटू वन बाई फोर टू इंटू वन बाई एट अप टू इन्फिनिटी, ठीक है ये कितना आ जाएगा एस बाई टू इज इक्वल टू वन, टू इंटू वन बाई टू कॉमन ले लीजिए, अंदर कितना आ जाएगा वन वन बाई टू वन बाई फोर अप टू इन्फिनिटी तक,
ये कितना आ जाएगा, ए अपॉन वन माइनस आर होता ना बेटा, पता है? ठीक है, ये बेटा क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज दस एस बाई टू इज इक्वल टू वन प्लस टू बाई वन, एस कितना आ जाएगा, टू वन थ्री, थ्री टू सिक्स। समझ में आ गई बात आपको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को इसमें जरा सा भी? बेटा अगला जो स्पेशल सीक्वेंस तुम्हारे सामने है वो क्या दिया हुआ है, मान लीजिए मैं आपसे कहूं एक सीरीज दी हुई है जिसका सम फाइंड आउट करना है, थ्री प्लस सेवन प्लस थर्टीन प्लस ट्वेंटी वन अप टू एन टर्म्स दिया हुआ है। ठीक है बेटा, हमें ये एक अलग टाइप की सीक्वेंस है, इसका कोई बेसिकली नाम नहीं है, लेकिन जरा इस सीक्वेंस को और इस सीरीज को ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे सात में से तीन घटाओ कितना आएगा, चार, तेरह में सात गया, छह, इक्कीस में से तेरह गया, एट एंड सो ऑन। तो देख लो बेटा, भले ही ये जो गिवन सीरीज है ये एपी में नहीं है, लेकिन इनके डिफरेंस से वी आर गेटिंग अ सीरीज हूज टर्म विल बी इन एपी। तो देखो बेटा क्या करो, यहां पर इस क्वेश्चन को इस तरीके से पहले लिख लो, थ्री प्लस सेवन प्लस थर्टीन, यहां पर टी एन माइनस वन और टी। ठीक है, दोबारा बेटा इस लिखो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्री, क्या करना है बस एक टर्म शिफ्ट करके लिखना है, थ्री प्लस सेवन प्लस थर्टीन प्लस ट्वेंटी वन प्लस टी एन माइनस वन प्लस टी। अभी क्या करने जा रहे हैं बेटा, इनको माइनस कर दो, जैसे ही माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जीरो इक्वल्स टू थ्री प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट प्लस टी एन माइनस वन और माइनस टी एन। इसको देख दो बेटा कितना आ जाएगा, तो टी एन बराबर कितना आ गया, थ्री प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट अप टू एन माइनस वन टर्म्स। बेटा ये जो टर्म्स होंगे वो आपके एन माइनस वन टर्म्स हैं, क्यों, क्योंकि देखो बेटा यहां से यहां तक एन टर्म्स है और एट टर्म और हो गया, मानी टोटल जो है टर्म बेटा यहां से यहां तक ये एन प्लस वन टर्म्स हैं। अब उसमें से इस टर्म को हमने दूसरी ट्रांसफर कर दिया तो बचे कितने, एन टर्म्स, और इसमें बेटा थ्री शामिल नहीं है सीक्वेंस में, तो कितने हो गए, एन माइनस वन टर्म्स हो गए। ठीक है, तो एक काम और करो थोड़ा अच्छे तरीके से, बेटा थ्री को अगर हम लिख दें वन प्लस टू और टू को इस सीक्वेंस में मिला दें सीरीज में, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा तुम्हारे अब एन टर्म्स हो गए। ठीक है, चलो क्या करना है, देखो बेटा इसमें चाहो तो टू कॉमन ले लो या सीधे एन टर्म्स की एपी का फार्मूला लगा दो, तो फार्मूला कितना हो जाएगा बेटा, एन बाई टू टू ए टू मतलब फोर एन माइनस वन डी कितना है, टू हो जाएगा वन प्लस एन टू प्लस एन माइनस वन, फाइनली कितना आ गया बेटा,
ये आ गया वन प्लस एन प्लस वन आएगा, मतलब एन स्क्वायर प्लस एन, मतलब ये कह सकते हैं कि टी एन जो है वो एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन के बराबर होगा। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि भाई इस सीक्वेंस का nth टर्म क्या होगा, तो आपने ये बता दिया। अब बच्चों में फाइंड आउट करना है सम, तो सम फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को 2 मिनट का वेट करना पड़ेगा। उससे पहले हम लोग कुछ स्पेशल सीरीज जिनके रिजल्ट विल बी ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड रिजल्ट, उनको यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट फर्दर। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अगर कभी भी सीरीज 1 + 1 + 1 लिखा हुआ है, ये कितने टर्म्स हैं बेटा, n टर्म्स दिए हुए हैं, तो सिंपली इसकी वैल्यू n आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जरा आप देखो, मैं तुमसे कहूं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या है, तो आप क्या कहोगे भाई कि 1 + 2 + 3 कहां तक बेटा, ये n तक, और इसको बोलते हैं सिग्मा n, बोलते हैं क्या बोलते हैं सिग्मा n। ठीक है, तो जरा देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये एपी बन रही है, तो इसका फॉर्मूला एन प्लस वन अपॉन टू होता है। अभी उन्होंने पहले ही क्वेश्चन में किया था, अभी देखा था। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएगा, तो बेटा इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा एन स्क्वायर, और इसका मतलब होता है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर + n स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा इसका सम क्या होता है, तो आप कहोगे n n प्लस वन 2n + 1/6। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं बेटे इसमें। चलो मैं फिर बात को आगे बढ़ा रहा हूं। देखिए भाई, फिर सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, भाई क्या हो जाएगा देखो, तो बेटा इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में एब्रीवेट करते हैं सिग्मा एन क्यूब से, और इसका मतलब होता है 1 क्यूब n क्यूब, और बेटा इसका फार्मूला क्या हो जाता है एन स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो क्वेश्चन तुम्हारा क्या दिया था बेटा, ऊपर ऊपर क्वेश्चन का जो हमने n टर्म निकाला था वो था n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 था, हमें सम निकालना था। तो बेटा मैंने बताया था आपको सम का मतलब होता है सिग्मा टी एन। ठीक है, तो सिग्मा टी एन मतलब कितना हो जाएगा, सिग्मा ओवर n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n प्लस सिग्मा 1। बेटा सिग्मा एन स्क्वायर क्या होता है, अभी आपको बताया था मैंने, सिग्मा एन स्क्वायर का मतलब होता है एन एन प्लस वन 2n + 1/6। बेटा सिग्मा एन क्या होता है, हो गए एन एन प्लस वन अपॉन 2, और सिग्मा वन क्या होता है एन होता है। तो चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो, तो एन अपॉन 6 कॉमन ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस 3n प्लस 1
प्लस सिक्स, ये कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा एन अपॉन सिक्स, ये जाएगा टू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन माने थ्री एन प्लस वन प्लस थ्री एन प्लस नाइन हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास में जो आंसर आया वो आया टू एन स्क्वायर प्लस सिक्स एन प्लस टेन। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा एन बाई थ्री एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस, ठीक है ना, बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को इसमें। देखो भाई अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने क्या है, अगला क्वेश्चन तुम्हें ये कह रहा है एक सीरीज लिखी है वन स्क्वायर टू स्क्वायर एक्स थ्री स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर एक्स क्यूब अप टू इंफिनिटी। क्या करना बच्चों हम लोगों को, वी नीड टू फाइंड इट्स सम। तो देखो बेटा वन टू थ्री फोर जो है अगर नॉर्मल दिए होते तो ये की फॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पे देखो ये वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर फोर स्क्वायर दिया है, इसका मतलब ये एपी फॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो क्या किया जाए, सबसे पहले इसको जो सम है उसको हमने एस मान लिया, तो अब क्या करने जा रहे हैं बेटा, इसको पूरे सीरीज के हर एक टर्म को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि x जो है वो इस गिवन ज्योमेट्रिकल सीरीज का कॉमन रेशियो है। तो बच्चों में मिल जाएगा x इंटू एस, ये वन स्क्वायर काम वही करना है माइनस करना है, दो बेटा कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा एस कॉमन वन माइनस एक्स, ये हो जाएगा वन स्क्वायर बेटा टू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, टू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर मतलब टू प्लस वन टू माइनस वन, तो टू माइनस वन तो कितना हो जाएगा बेटे वन हो जाएगा, और टू प्लस वन कितना हो जाएगा थ्री एक्स, थ्री स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर मतलब थ्री प्लस टू थ्री माइनस टू मतलब फाइव एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फोर स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर माने फोर प्लस थ्री फोर माइनस थ्री, बेटा फोर प्लस थ्री कितना होता है सेवन, और फोर माइनस थ्री वन हो जाएगा एक्स क्यूब। अब जरा देखिए मतलब फाइनली हमारे पास में आ गया वन प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स स्क्वायर अप टू इंफिनिटी तक, भाई ये जीपी बन गई। क्या करते थे बेटा इसमें हम लोग कॉमन रेशियो से फिर मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लाई करके कितना जाएगा एस वन माइनस एक्स ऑलरेडी लिखा था एक्स हो गया, तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ठीक है चलो माइनस कर दे रहे, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा एस वन माइनस एक्स ब्रैकेट में वन माइनस स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा बेटा वन प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर अप टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा एस वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बेटा इसमें टू एक्स कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर अप टू इंफिनिटी तक, ये कितना आ जाएगा भाई टू एक्स ए अपॉन वन माइनस आर, इनफाइनाइट टर्म है ना, तो फाइनली कितना आ गया एस की वैल्यू आ गई वन अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स का होल, दैट्स ऑल। समझ में आ गई बात आपको, कोई दिक्कत तो नहीं, अब चाहो तो और सिंप्लीफाई कर लो या ऐसे ही रहने दो, क्या चलेगा, चलेगा ना,
देखिए मान लीजिए हम 1 माइनस एक्स का होल क्यूब एलसीएम ले लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस 2x आ जाएगा, मतलब फाइनली आ जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का। ठीक है, ये भी आंसर सही है। समझ में आ गई बात आप लोगों को? चलो अगर तुम्हें सवाल समझ में आ गया है तो एक सवाल तुमको मैं दे रहा हूँ, होमवर्क है बेटा, इसका आंसर जो है वो आप मुझे जरूर बताइएगा। तो वही काम है कि सम इन्फिनिटी द फॉलोइंग सीरीज, क्या दी हुई सीरीज, 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एक्स प्लस 9 स्क्वायर एक्स स्क्वायर अप टू इन्फिनिटिव है, और बेटा ये गिवन है कि मॉड एक्स की वैल्यू एक से छोटी है। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है, आप लोग करके मुझे आंसर बताएंगे, मैं आपका इस सवाल का वेट करूंगा। ठीक है, तो चलो भाई अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन अब बात करने जा रहे हैं, जो सम स्पेशल सीरीज पढ़ी थी उसमें। तो क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा कि 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर अप टू एन टर्म्स दिए हुए हैं, इसका सम निकालना है। भाई कैसे निकालोगे सम इसका, देखो तो देखो बेटा इसमें अगर ये 1, 3, 5, 7 लिखा हो तो सिंपली ये एपी बन जा रही होती और आप फटाफट इसका आंसर निकाल सकते थे, लेकिन आप देखिए कि ये एपी नहीं बन रही भाई, हाँ एपी के टर्म्स का स्क्वायर बन रही है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमेशा इस क्वेश्चन में टीएन निकाल देते हैं। तो टीएन कितना होगा, 1, 3, 5, 7 से क्या बनता है बेटा, 2n-1 बनता है, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, मतलब tn की वैल्यू आ गई 4n² प्लस 1 - 4n। ठीक है, अब नाउ वी नीड टू फाइंड इट्स सम, सम कितना होगा बेटा, ठीक है बेटा, सिग्मा को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक बात ध्यान रखना, सिग्मा की खास बात क्या होती है, अगर बच्चों सिग्मा के एक्स लिखा हुआ है और सिग्मा एक्स पर है और के कांस्टेंट, तो के बाहर आ जाएगा, ये के सिग्मा एक्स हो जाएगा, और अगर सिग्मा ए प्लस बी कहा जाए तो ये सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी हो जाएगा। ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, माइनस लगाओ तो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हाँ ये ध्यान रखना कि सिग्मा ए बी इज नॉट इक्वल टू सिग्मा ए इंटू सिग्मा बी। तो भाई आपने एस निकाल दिया, फाइनली ये आ गया, अभी क्या करना है, सीधे फार्मूला रख देना है। भाई सिग्मा एन स्क्वायर का फार्मूला क्या बताया गया था, एन एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 अपॉन 6 4 सिग्मा एन कितना हो जाएगा, एन एन प्लस 1 अपॉन 2 और सिग्मा 1 कितना होता है n। अब आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, सिंपलीफाई कर सकते हैं भाई, तो सिंपलीफाई करके इसका आंसर क्या आना चाहिए, अभी आप इसको ढूंढिएगा और मैं बता दे रहा हूं, सॉल्व कर लीजिएगा इसका बेटा, फाइनली आंसर जो है वो n बाई 3 4n² - 1 आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको, अगर समझ में आ गई हो तो एक होमवर्क तुम्हारे लिए, अगेन होमवर्क क्या है भाई, ये 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 2n² क्या करना भाई, इसमें आपको इसका सम निकालना है। ठीक है, कैसे सम निकाला जाएगा, अभी मैंने आप बताया था आप लोगों को, आप लोग कर लोगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन तुम्हारा है,
एक सीरीज दी हुई है 1 2 3 2 3 4 3 4 5 अप टू एन टर्म्स। बेटा ये भी एक स्पेशल सीक्वेंस है, कह सकते हैं स्पेशल सीरीज है, जिसमें तीन एपीज के करेस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई किया गया है। बच्चों तीन एपी कौन कौन सी हैं? तीन एपी, एक है 1 2 3, एक है 2 3 4, एक है 3 4 5। समझ में आ गया भाई? तो अभी क्या करना होगा इसमें, इसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे इसका एन टर्म जो है बेटा वो कितना जाएगा, 1 2 3 4 से एन, एन प्लस वन, टू एन प्लस वन, सॉरी एन प्लस टू। ठीक है, देखो बेटा एन की वैल्यू क्या से, एन की वैल्यू जो है वो वन से लेकर कुछ भी हो सकती है, नेचुरल नंबर दिया है। ठीक है, तो बेटा वन रखो तो 1 2 3, 2 रखोगे 2 3 4 बन गया ना। तो देखो सबसे पहले बात ये बेटा, अगर किसी भी सीरीज का nth टर्म इजीली फाइंड आउट कर लो तो यू कैन फाइंड आउट दी सम इन अ वेरी सिंपल मैनर। क्या करोगे भाई? देयरफॉर s कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे s की वैल्यू सिग्मा tn के बराबर होती है, मतलब सिग्मा ओवर n, n प्लस वन, n प्लस टू, ये कितना आ जाएगा भाई? तो आप कहोगे सिग्मा n स्क्वायर प्लस n, एन प्लस टू, ये कितना हो जाएगा भाई? एन क्यूब प्लस टू एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस टू एन, कितना आ गया भाई? सिग्मा एन क्यूब प्लस थ्री एन स्क्वायर प्लस टू एन। अब कर सकते हो बेटा इसको आराम से, फटाफट इसको ओपन कर लेना, ये कितना आ जाएगा? सिग्मा एन क्यूब आ जाएगा, थ्री सिग्मा एन स्क्वायर आ जाएगा और टू सिग्मा एन आ जाएगा। बेटा सिग्मा एन क्यूब एक्चुअली में क्या होता है, सिग्मा एन क्यूब जो है वो एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन फोर। सिग्मा एन स्क्वायर कितना होता है बेटा? एन एन प्लस वन, टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स होता है, और टू सिग्मा एन का मतलब टू एन एन प्लस वन अपॉन फोर। तो भाई यार देखो आप लोग, थ्री टू था सिक्स हो गया और n n प्लस वन अपॉन टू कॉमन आ गया, कितना बचा भाई? n n प्लस वन प्लस बेटा कितना आएगा ये n n प्लस वन अपॉन टू तो कॉमन आ गया, टू एन प्लस वन, और यहां पे n प्लस वन अपॉन टू आ गया तो टू, तो आ गया n n प्लस वन अपॉन टू। बच्चों इसमें टू एलसीएम ले लीजिए, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस फोर एन प्लस टू प्लस फोर आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया भाई? ये आ गया एन एन प्लस वन अपॉन टू एन स्क्वायर प्लस फाइव एन ये कितना हो गया भाई? एन बेटा फैक्टर हो जाएंगे ना, एन प्लस थ्री एन प्लस टू अपॉन टू, फाइनली कितना आ गया एन एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री अपॉन। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें बेटा? अगर तुम्हें कंफ्यूजन नहीं है तो अगली सीक्वेंस आ रही तुम्हारे सामने, सीक्वेंस लिखी हुई है 1 into 2 square, 2 into 3 square, प्लस 3 into 4 square, अप टू n टर्म्स लिखा हुआ है। क्या करना भाई हम लोगों को? वी नीड टू फाइंड इट्स सम अप टू n टर्म्स। अगेन देखो बेटा वही बात आ गई, मैंने कहा था इफ यू आर एबल टू फाइंड द एंड टर्म ऑफ ए सीरीज
देन द सवाल विल बिकम वेरी आसान। आसान कैसे होगा भाई? तो आप क्या कहोगे, इसका जो टी एन है वो 1, 2, 3, 4 मतलब एन हो गया, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एन स्क्वायर का मतलब कितना हो गया बताइए, 1 n+1 का होल स्क्वायर हो गया। ओपन कर लो इसको, n² + 1 + 2n तो कितना आ जाएगा, n³ + 2n² + n हो गया, ठीक है, बाकी काम हो जाएगा ना। तो देयरफॉर s कितना हो जाएगा, सिग्मा टी एन का मतलब σn³ + 2 σn² + σn, वैल्यूज पता है आप लोगों को, सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करके इसका आंसर जो आएगा वो आएगा n+1 n+2 3n+5 / 12, ठीक है ना। चलो भाई, एक क्वेश्चन जैसे मान लो दिया हुआ है, सब तुम्हारे जो क्वेश्चन मैं जो भी डिस्कस कर रहा हूं उनका, ये किसी ना किसी कंपटीशन में पूछे गए प्रॉब्लम्स हैं, तो बी केयरफुल, खूब अच्छे से पढ़िए। अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो यू कैन आस्क बाय राइटिंग सम कमेंट्स, और उसके लिए मैं आपको अलग से डिस्कस कर लूंगा। बेटा कहा जा रहा है आपसे एन टर्म्स का सम निकालना है, फाइंड अ सम अप टू एन टर्म्स, और एन टर्म दिया है बेटा n² + 2 की पावर n, ये तो हो जाएगा ना आसानी से। यस, कैसे हो जाएगा भाई? तो ये बेटा अगर आप बोलोगे s की वैल्यू कितनी होगी, तो कहोगे σn² + σ2 की पावर n, σn² तो जनरल स्टैंडर्ड फार्मूला है बेटा। अच्छा, σ2 की पावर n जो होगा वो क्या होगा, ये एक जीपी बन रही होगी जिसका फर्स्ट टर्म जो होगा 2 होगा और कॉमन रेशियो भी 2 होगा, क्यों भाई, जब इसको ओपन करो तो कितना आएगा, 2 2² 2³ up to n terms। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n n+1 2n+1/6 + 2 की पावर n का फॉर्मूला बेटा क्या हो जाएगा, ये जीपी बन गई, तो a r की पावर n-1 / r-1। तो फाइनली इसको सिंपलीफाई कर दो या इसको ऐसे लिख दो, आंसर तुम्हारा क्या हो गया, फाइनली चेक कर लेना इसको, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा चलो भाई, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ 1³ + 2³ / 1³ + 3 / 1³ / 2³ / 3³ / 1+3 + 5 / n terms। बेटा इसका मैं सम निकालना है। मैंने कहा था जहां पर सीरीज को देख के कंफ्यूजन क्रिएट होने लगे और आपको लगे कि भाई इसमें कोई एपी जीपी नहीं बन रही है या एपी का थोड़ा सा कन्वर्टेड फॉर्म बन रहा है, तो ऐसी प्रॉब्लम का तरीका बच्चों ये होता है कि किसी भी तरीके से कोशिश करके आप क्या कर लीजिए, उस सीरीज का एन टर्म फाइंड आउट कर लीजिए। तो आपने क्या देखा कि भाई इस सीरीज का जो एन टर्म है, देखो बेटा पहले टर्म में 1³ आ रहा है, दूसरे में 1 और 2 आ रहे हैं, तीसरे में 1, 2, 3 आ रहे हैं, तो बेटा एन में कितना आएगा, 1³ + 2³ + 3³ + n³ हो जाएगा। बेटा पहले टर्म में 1 आ रहा है, दूसरे में 1+3 आ रहा है, तीसरे में 1+3 + 5 आ रहा है, तो n में कितना आएगा, 1+3 + 5 + 2n - 1, क्योंकि बेटा ये ऑड नंबर है ना। अच्छा, ऊपर जो tn है वो क्या है, एक्चुअली में tn जो है वो 1³ 2³ σn³ लिखा हुआ एक्चुअली में, है ना, और नीचे जो है बेटा ये 1, 3, 5 जो है इसको अगर जोड़ोगे एपी के एन टर्म के फार्मूले से तो ये एन स्क्वायर आ जाएगा। अब चेक कर लीजिएगा, देखो बेटा 1+3 कितना हो रहा है, 4 4+5 9, मतलब ये जो भी आएगा वो उसका आंसर हमेशा एन स्क्वायर आएगा, ठीक है।
चाहो तो जीपी एपी के एन का फॉर्मूला निकालो बेटा, एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस एल, एल कितना है 2n माइनस 1, दो कितना आ रहा है भाई, एन स्क्वायर आ गया ना, तो ये हो जाएगा n n प्लस 1, थोड़ा सा लिखने में, एन स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4n स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल हो गया ना बेटा। तो हमारे सामने tn की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, tn की वैल्यू आ गई हमारे सामने 1 अपॉन 4, तो कांस्टेंट है, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। नाउ यू आर एबल टू फाइंड द सम, कैसे फाइंड आउट करोगे, s हो जाएगा 1 अपॉन 4 तो कांस्टेंट है, सिग्मा n स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा n प्लस सिग्मा 1, सारी वैल्यूज पता है भाई, सिग्मा n स्क्वायर कितना होता है n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है, सिग्मा n कितना होता है n n प्लस 1 अपॉन 2, और सिग्मा 1 कितना होता है। अब सिंपलीफाई करने का काम आप लोगों के जिम्मे छोड़ा जा रहा है, ठीक है, समझ में आ गई बात आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, अब देखो बेटा एक थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा जा रहा है एक सीरीज दी हुई है, वन सीक्वेंस दी हुई है, सॉरी 1, 3, 7, 13 21, इसका बेटा आपको सम निकालना है, ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले से, तो ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। मुझे लगा क्वेश्चन कोई अलग सा होगा, लेकिन वो चीज नहीं है, क्यों, तो बेटा 1 में से 3 में से 1 गया 2, 7 में 3 गया 4, 13 में 7 गया 6, 20 में 13 गया 8, सेम क्वेश्चन आ गया 2, 4, 6, 8, ए भी बन रही ना, इसका मतलब मेथड ऑफ डिफरेंस, बेटा इसको सॉल्व करते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस, मेथड ऑफ डिफरेंस लगा देते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं भाई इसमें, अब जरा देखिए हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, बच्चों हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होती है, हम लोगों ने पहले अपने जो क्लास हुई थी उसमें डिस्कस किया था, आज वही चीज यहां पर हम लोग थोड़ा सा बताने जा रहे हैं। ये बेटा बताते हैं कि अगर मान लीजिए A1, A2, A3 और AN, मैं आपसे कहूं कि ये HP में है, तो इसका मतलब होता है 1 अपॉन A1, 1 अपॉन A2, 1 अपॉन A3 और 1 अपॉन AN जो है वो किसमें है बेटा, AP में। समझ में आ गई बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, हार्मोनिक पोर्शन क्या होती भाई, कि अगर कोई कुछ टर्म किसी भी सीक्वेंस के एचपी में है तो उसकी रेसिप्रोकल टर्म क्या होंगे, एपी में होंगे। बेटा इसी कंसेप्ट को यूज करके वी कैन गेट द फार्मूला फॉर द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस विच फॉर्म एचपी। जैसे मैं तुमसे कहूं कि 1/3, 1/5 1/7, इसका nth टर्म क्या होगा, अब देखो बेटा ये 1, 1/3, 1/5, 1/7 सबका रेसिप्रोकल कर दो, 1, 3, 5, 7 क्या बन गई, AP बन गई, इसका मतलब ये HP हो गई, तो बेटा इसका nth टर्म कितना होगा, nth टर्म तो बराबर 1 अपॉन nth टर्म ऑफ AP, बच्चों कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 1 अपॉन A प्लस AP बेटा क्या है 1, 3, 5, 7, तो A प्लस 1, 3, 5, 7 बेटा कितना हो गया, सीधे 2n-1 ही आएगा, फिर भी मैं तुमको दिखा रहा हूँ, तो 1 प्लस n-1
डी कितना है बेटा, टू, तो फाइनल आ जाएगा वन अपॉन टू एन माइनस वन, दिस इज द nth टर्म ऑफ एच पी। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा इसमें? अब जरा देखिए, हार्मोनिक मीन के बारे में बेटा, हार्मोनिक मीन क्या होता है? जैसे मान लो ए और बी दो नंबर हैं, कोई भी दो नंबर हैं, और इनके बीच में एक नंबर हमने एच रखा, और मैंने कहा कि भाई ये किसे बन गए, हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं, तो बेटा इसका मतलब होता है कि वन अपॉन ए, वन अपॉन एच, वन अपॉन बी, आर इन ए पी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, टू अपॉन एच बराबर वन अपॉन ए, वन अपॉन बी हो गया। टू अपॉन कितना हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन ए बी हो जाएगा। मतलब एच की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, हो गए टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो ये हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है, ठीक है। अच्छा बेटा, मान लो तुमसे कोई कहे कि भाई एन हार्मोनिक मीन्स जो है, फिर नेक्स्ट है इंसर्शन ऑफ एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा भाई, देखो हमने कहा भाई ए और बी के बीच में हार्मोनिक मीन एच वन, एच टू और एच एन दिए गए, तो भाई ये आर इन एच पी हो जाएंगे ना। मैंने बताया था कि भाई अगर हार्मोनिक मीन्स बोला जा रहा है, इसका मतलब वो पूरी की पूरी सीक्वेंस को एच पी बना देंगे। बट इसका मतलब क्या हुआ, वन अपॉन ए, वन अपॉन एच वन, वन अपॉन एच एन और वन अपॉन बी, किसमें हो जाएंगे बेटा, ये आर इन ए पी हो जाएंगे। तो बेटा फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, फार्मूला आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिएगा, और वन अपॉन एच वन, वन अपॉन एच टू, वन अपॉन एच एन की वैल्यू निकाल लेंगे, और उससे ही आपको हार्मोनिक मीन्स जो है एच वन, एच टू, एच थ्री सब निकल आएंगे। तो बेटा इसमें कॉमन डिफरेंस कितना होता था, ये होता था b माइनस ए, मतलब लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स। देखो बेटा h1 s2 s3 हार्मोनिक मीन है, तो n हार्मोनिक मीन है, इसका मतलब n अर्थमेटिक मीन भी है, प्लस 1। जब ऐसा निकाल लोगे तो d निकाल लोगे, तो सारी वैल्यूज को जो है आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते। कैसे, आप कहोगे भाई कि 1 अपॉन h1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे भाई 1 अपॉन a में d जोड़ दिया जाए। 1 अपॉन s2 कितना होगा बेटा, तो आप कहोगे 1 अपॉन a में 2d जोड़ दिया जाए, या 1 अपॉन h1 में d जोड़ दिया जाए, है ना। बात समझ में आ गई। तो इसी तरीके से बेटा, अगर मैं तुमसे कहूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन hn, तो आप क्या कहोगे, 1 अपॉन a प्लस nd। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? अच्छा एक बात और देख लो यहाँ बेटा, ये कहता है कि भाई मान लीजिए कि वन अपॉन ए और वन अपॉन बी के बीच में एक हार्मोनिक मीन रखा जाए, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। अब मैं तुमसे कहूं बेटा कि नंबर बहुत सारे हैं, माने ए वन, ए टू, ए थ्री और ए एन, देन बेटा हार्मोनिक मीन क्या होगा तब, तो दो नंबर के बीच में निकालना पड़ता है, तो लेकिन बेटा अगर एन नंबर दिए होंगे तो हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि वन अपॉन एच बराबर वन अपॉन ए वन प्लस वन अपॉन ए टू प्लस वन अपॉन ए थ्री प्लस वन अपॉन ए एन अपॉन में एन। इसका मतलब बेटा वही हो गया कि अगर कई नंबर दिए हो और उनका अर्थमेटिक मीन निकालना हो, तो सारे टर्म्स का सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, तो वही बेटा हमको क्या करना है, हार्मोनिक मीन निकालना है। तो सबसे पहले ए वन, ए टू, ए थ्री, ए एन एच पी में है, तो वन अपॉन ए वन, वन अपॉन ए टू, वन अपॉन ए थ्री, वन अपॉन ए एन किसमें हो जाएंगे, ए पी में हो जाएंगे, और फटाफट वही कर लिया
भाई अर्थमेटिक मीन निकाला और वो 1/h के फॉर्म में होगा, जो वैल्यू फाइंड आउट कर लेना तो h की वैल्यू भी इजीली निकल आएगी। अच्छा ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके थे बेटा आप लोग पहले भी कि अगर a और b जो है दो पॉजिटिव नॉन जीरो नंबर्स हैं देन बेटा क्या होता है, तो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ग्रेटर आर इक्वल टू हार्मोनिक, ठीक है ना। देखो भाई ये एनडीए 2000 16 की प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 23 और 24 पूछा गया था, उसके लिए एक पैसेज दिया था, पैसेज में था द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन ऑफ एन साइड्स आर एन एपी। The smallest angle is 120 degree and the common difference is 5 degree। तो क्वेश्चन नंबर 23 था How many possible values of n? Option A 2, 3 और D infinitely many, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या था, क्वेश्चन नंबर 24 था कि व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन। बेटा इसका ऑप्शन ए दिया था 160 ओनली, 195 ओनली, 160 और 195 और ऑप्शन डी नीदर 160 नॉर 195। और जरा सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 23 का। आपसे कहा जा रहा था कि साइड n है और स्मॉलेस्ट एंगल 120 दिया है और कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है 5 और a दिया है 120। तो देखो कोई भी पॉलीगन बेटा मान लो बना तुम्हारा कितनी भी साइड का बना हुआ है तो आपसे कहा जा रहा है कि जितने भी एंगल्स हैं वो एपी में है, तो
तो मान लीजिए इसमें एन साइडेड पॉलीगन है, इसका मतलब एन एंगल्स होंगे, तो एन एंगल का सम का फार्मूला क्या होता है? आपको पता होगा कि किसी भी पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल्स को अगर जोड़ दिया जाए तो उसका फार्मूला होता है एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री, और ये बेटा किसके बराबर होगा? एन बाय टू, टू ए, ए का मतलब 120 है तो 240 प्लस एन माइनस वन डी कितना है? 5। ठीक है, तो जरा चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 180 एन माइनस 360 इक्वल टू एन बाई टू, ये बेटा हो जाएगा 5 एन, और 240 में 5 जाएगा 235। इससे भाई क्या मिल जाएगा? थोड़ा सा और इसको कर लो, 360 एन माइनस 720 इक्वल टू 5 एन स्क्वायर प्लस 235 एन। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 5 एन स्क्वायर 235, इधर बेटा माइनस हो जाएगा 360, तो 360 में से क्या कर दें हम लोग, 235 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा माइनस 125 एन प्लस 720 इक्वल टू 0। 5 कॉमन ले लीजिए, आपको ये पता है कि ये आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस 16 एन क्योंकि 16 9 25 होता है, 16 × 9 144 होता है, एन माइनस 16 एन माइनस 9 इक्वल टू 0। इसका मतलब n की वैल्यू 16 आ गई और n की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, अच्छा अब यहां पर बेटा एक बात हमें कंफर्म करनी है कि ये जो वैल्यू 16 और 9 है, अच्छा एक्चुअली में कॉमन डिफरेंस बेटा जो दिया है 5 डिग्री दिया हुआ है, तो मैं तुमसे पूछूं कि विच टर्म इज 180। ठीक है, तो 180 का मतलब क्या हो गया बेटा? 180 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 × d, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 60/5 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, एन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 13 आ गई। जब एन की वैल्यू 13 आ गई, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग एन की वैल्यू 16 लेते हैं तो जो 13th एंगल होगा उसका वो 180 डिग्री हो जाएगा, और आपको पता है कि कोई भी पॉलीगन जो होता है अगर उसका कोई एक एंगल 180 डिग्री हो जाए तो वो पॉलीगन बन ही नहीं पाएगा, है ना? तो इसका मतलब 16 वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल बेटा वैल्यू क्या है? n इक्वल्स टू 9 पॉसिबल है इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया था हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? इसका आंसर आ जाएगा ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन इज 1, माने एन की एक ही पॉसिबल वैल्यूज है बेटा। एन की वैल्यू तो वैसे 9 है तो, लेकिन तुमसे पूछा जा रहा है कि कितनी वैल्यूज है एन की, तो वो एक ही वैल्यू वो भी 9 है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन, तो इसका मतलब बेटा एन की वैल्यू 9 है, एन की वैल्यू 9 होने का मतलब ये हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 24 पे आपसे कहा जाता है लार्जेस्ट एंगल, तो लार्जेस्ट एंगल जो बेटा होगा वो जो लास्ट एंगल होगा मतलब T9 वही लार्जेस्ट होगा, तो ये जाएगा 120 प्लस 8 × d, ये कितना हो गया? 120 प्लस 160, तो 160 इज द लार्जेस्ट एंगल, तो ऑप्शन ए जो है वो उसमें करेक्ट हो गया। तो इसका मतलब 23
का भी ऑप्शन है और 24 का भी ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। बात समझ में आ गई बेटा इसमें? अब तुम्हारे सामने अगली प्रॉब्लम क्या है, अगली प्रॉब्लम पे हम लोग स्विच करने वाले हैं। आइए देखते हैं अगली प्रॉब्लम। बेटा ये क्वेश्चन भी 2016 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 12 था आपका, सवाल ये था कि हाउ मेनी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस इज ऑब्लिक आर पॉसिबल कंटेनिंग 27, 8 एंड 12 एज थ्री ऑफ इट्स देयर टर्म्स। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आर पॉसिबल। तो देखो बेटा कैसे सॉल्व किया जाए इसको। अब देखो हमें ये तो पता नहीं भाई कौन सा टर्म है, तो हमने मान लिया कि पीएथ टर्म जो है वो 8 है, क्यूएथ टर्म 12 है। अब आर ऑलरेडी दिया तो ऐसे टर्म जो है वो 27 है। बेटा इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया ए आर टू दी पावर पी माइनस वन किसके बराबर आ गया 8 के। ये आपकी क्वेश्चन वन बन गई, ए आर टू दी पावर क्यू माइनस वन 12 हो गया, इक्वेशन टू हो गई, और ए आर की पावर एस माइनस वन 27 हो गई, क्वेश्चन नंबर 3 हो गई। अच्छा जरा एक रिलेशन निकालते हैं पी क्यू और एस में, यही हमको बताएगा कि कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। तो क्या करो बेटा, 1 और 2 को पहले डिवाइड करो, तो डिवाइड करने में क्या आ जाएगा, ये जाएगा आर टू दी पावर पी माइनस क्यू, 8 अपॉन 12 का मतलब हो गया 2 अपॉन 3, इसे कैपिटल ए मान लेते। जब सेकंड थर्ड को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आर टू दी पावर क्यू माइनस एस, 12 अपॉन 27 का मतलब हो गया 3 से काट दो 4 अपॉन 9। बेटा ये क्या इंप्लाई कर रहा है, ये क्वेश्चन बी है, तो ये क्वेश्चन बी इंप्लाई कर रही है कि आर टू दी पावर क्यू माइनस एस जो है वो 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर है, और 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं बेटा आर की पावर 2p माइनस 2q। कंपेरिजन कर दो, इससे क्या मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा q माइनस s इज इक्वल टू 2p माइनस 2q। ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 3q इज इक्वल टू 2p प्लस s। अब जरा इस रिलेशन को ऑब्जर्व करो, तो यहां पर बात यह आ रही है कि p और s कोई टर्म है। अभी हमने बात की ना pth qth और s ऐसे टर्म की बात कर रहे थे, तो इसका मतलब p q s बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। ये तो होगा भाई कि p टर्म q टर्म r टर्म, तो ये हमेशा क्या होंगे, ये आपके नेचुरल नंबर्स होंगे। तो जरा देखो इसमें कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल हैं जो इसको यहां पर सेटिस्फाई कर रही हैं, 2p प्लस s बराबर 3q, कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो आप देख रहे हो बेटा देखो p s और q यहां पर रख दें। देखो अगर p की वैल्यू 1 रखें
और एस की वैल्यू 1 रखें और क्यू की वैल्यू 1 रखें, तो ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। अब देखो इसी तरीके से अगर यहां पे 2 रख दें पी की वैल्यू एस की वैल्यू 2 रख दें और क्यू की वैल्यू भी 2, देखो इसको सेटिस्फाई कर रही नहीं कर रही। फिर देखिए पी की वैल्यू 3 एस की वैल्यू 3 और क्यू की वैल्यू भी 3 सेटिस्फाई कर रही है। अब देखो अगर हम एस को 4 लिख दें और पी को 1 लिख दें तो 4 और 2 6 2, तो बेटा ये भी तो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो आप देख रहे हो कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ द वैल्यूज ऑफ पी एस एंड क्यू। तो इससे हमने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि पी क्यू एस जो है इनके हमारे पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ चॉइस हैं। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि एक जीपी जिसके टर्म 8, 12 और 27 कोई भी टर्म हो उसकी संख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे इनफाइनाइटली मेनी जीपीज आर देयर। ठीक है बच्चों, देखिए 2015 का एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 14 था एनडीए 2015 में, वी नीड टू फाइंड दी प्रोडक्ट ऑफ अप टू इन्फिनिटी में फाइंड आउट करना है। तो देख लो बेटा क्लियरली अगर इसको मैं सॉल्यूशन पे बात करूं, इसके जो ऑप्शन दिए थे द ऑप्शन ए वाज 6, ऑप्शन बी इज 36, 216 और इनफाइनाइट। देखो बेटा इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो जो यहां पे 6 लिखा हुआ है इसकी पावर 1/2 फिर 1/2 3/8 एंड सो ऑन लिखा हुआ है। तो देखो बेटा एक्चुअली में बेसिस बराबर है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, तो ऐड ऐसे कर रहे हैं 1/2, ये 2/4 लिखा है, ये 3/8 लिखा है, ये 4/16 लिखा है और अप टू इनफिनिटी तक। बेटा मैं क्या कर रहा हूं, इस चीज को पूरे को कुछ देर के लिए एस मान ले रहा हूं। क्या मान ले रहा हूं? एस। एस की वैल्यू कितनी है बेटा यहां पर? एस है 1 × 1/2, 2 × 1/4, 3 × 1/8, 4 × 1/16 अप टू इंफिनिटी तक। ये बेटा एजीपी बन रही है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सिंपली व्हाट विल यू डू, यू विल मल्टीप्लाई विद द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। ये कितना आ जाएगा 1 × 1/2, 2 ×, यहाँ पे 1/4 होगा, 2 × 1/8, 3 × 1/16 अप टू इंफिनिटी तक। माइनस कर दो बेटा इसको, माइनस करने में कितना आ जाएगा एस माइनस एस बाई टू, यहाँ आ जाएगा 1/2, यहाँ पर आ जाएगा 1/4, 1/8, 1/16 अप टू इन्फिनिटी तक, ये हो जाएगा एस बाई टू। ये बेटा इनफाइनाइट जीपी बन गई जिसका फर्स्ट टर्म 1/2 और कॉमन रेशियो 1/2 है, तो ए अपॉन 1 − r, r भी 1/2 है, तो फाइनली कितना आ गया, ये हो गया एस बाई टू इक्वल्स टू 1 आ जाएगा ना, तो एस की वैल्यू आ गई 2। तो देयर फोर आंसर क्या था, 6 की पावर एस, 6 की पावर 2, 6 पावर 2 कितना आ गया 36। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो ऑप्शन कौन सा सही था, तो आप देखेंगे कि ऑप्शन
बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, इसी ईयर में एनडीए 2015 में क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा था, एक एपी का एनथ टर्म जो है वो 3+n/4 है, हम लोगों को फर्स्ट 105 टर्म का सम निकालना है। द ऑप्शंस आर 270, 735, 1409 या 1470। देखो बेटा सिंपल सी बात है, आपको पता है कि एस और टी एन में क्या रिलेशन होता है, एस इक्वल टू सिग्मा टी एन होता है। तो देखो बेटा क्या करोगे, ये आ जाएगा सिग्मा 3+n/4। बच्चों आपको सिग्मा की प्रॉपर्टी में पहले बता चुका हूं, ये 1/4 बाहर आ जाएगा, ये सिग्मा 3+n हो गया। बच्चों इसको ले सकते हो 1/4 3 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा n, ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 1/4 3 सिग्मा 1 कितना हो जाएगा भाई, तो आप कहोगे 3n हो जाएगा। सिग्मा n कितना होगा, n+1/2 आ जाएगा। तो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ s105, तो यहाँ पे n की जगह क्या रख दीजिए, 105 रख दीजिए। तो 3 × 105 प्लस 105 × 106 अपॉन 2, ये कितना आ जाएगा भाई, आप कहोगे 1/4 315, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5565 और 1/4 ये हो जाएगा 5880। अभी क्या करना है, इसको 4 डिवाइड करना है, ये हो जाएगा आपका 1470। तो कोई ऑप्शन दिया जरा बेटा, देखो इसमें 1470, यस 1470 इज द ऑप्शन डी, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है तो बच्चों ये हो गया आपका ऑल अबाउट दी सीक्वेंसेस एंड सीरीज, और नेक्स्ट टर्म पर हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स एनडीए में सीक्वेंस सीरीज पर आई हुई हैं आप लोग करिए, और अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।